का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट को निशाना बनाया है। इस नौसैनिक अड्डे पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से धावा बोल दिया है। इस हमले के बाद पूरे क्राइमिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार सायरन की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इन सब के बीच में रूस भी बड़े पलटवार की अब तैयारी में लगा हुआ है। आसमान को भी काला कर देने वाला धुआं रूस के काला सागर के साम्राज्य पर हमला है। यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला कर दिया है। नेवी का हेडक्वार्टर यूक्रेन का रूस पर 1.5 सालों में यह सबसे बड़ा हमला है। काला सागर की फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमले का सीधा मतलब है रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ बड़ा एक्शन। लेकिन इसकी डिटेल आगे, अभी रूस के नेवल बेस पर हमले की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद इस मिसाइल की डिटेल दिखाएंगे जिसको यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर दाग दिया। रूस के काला सागर बेड़े के मुख्यालय पर एक भीषण मिसाइल हमला किया गया। इस हमले में क्राइमिया के सेवस्तोपोल में स्थित रूसी नौसैनिक मुख्यालय की इमारत से धुएं का गुबार निकलते हुए देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी मुख्यालय के करीब नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के दौरान यहां कई नागरिक सड़कों पर थे, सभी सुरक्षित हैं। 5 लाख की आबादी वाले क्राइमिया में रहने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि कोई भी हमले के दौरान अपने घरों में नहीं रहे और घटनास्थल पर फोटो खींचने से बचे। काला सागर में और उसके आसपास हमले बढ़ गए हैं। यूक्रेन ने कहा कि इस सप्ताह उसने क्राइमिया के साकी शहर के पास एक सैन्य हवाई अड्डे पर हमला किया, जबकि यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाले एकमात्र कर्च पुल को बार बार निशाना बनाया है। इस वक्त पुल पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। जबकि सेवस्तोपोल पर हमले के बाद समुद्री यातायात को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। सेवस्तोपोल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। क्राइमिया का यह इलाका यूक्रेन के हवाई हमले का मेन टारगेट है। नेवल बेस पर हमला मॉस्को के लिए एक बड़ा झटका है। इस बंदरगाह को हाल ही के महीनों में कई हमलों का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में रूसी नौसेना मुख्यालय से घने धुएं का गुबार निकलते हुए देखा जा सकता है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल के टुकड़े पास के थिएटर के करीब गिरे थे। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, मतलब यूक्रेन वॉर जोन में फ्रंट फुट पर है। यूक्रेन जानता है कि यह हमला नौसैनिक कमांड बेस पर हमले का मतलब क्या होता है। काला सागर में रूस का आज से नहीं दशकों से बोलबाला रहा है। उसके नेवल बेस पर यूक्रेन ने अटैक कर पुतिन को सीधा चैलेंज किया है। युद्ध में पुतिन का अब अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, देखिए। उससे पहले रूस के काला सागर बेड़े के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। उत्तरी बेड़ा, जिसका मुख्यालय सेवरोमोस्क में है, यह रूस की नौसेना का मुख्य बेड़ा है। बाल्टिक बेड़ा, बाल्टिक बेड़े का मुख्यालय कनिनग्राद में है। काला सागर बेड़ा सेवस्तोपोल में मुख्यालय है जिस पर हमला हुआ है। ऑपरेशनल कमांड साउथ, भूमध्य सागर में रूसी नौसेना का स्थायी कार्यबल। कैस्पियन फ्लोटिला, इसका मुख्यालय अस्त्रखान में है। प्रशांत बेड़ा, प्रशांत बेड़े का मुख्यालय व्लादिवोस्तोक में है। रूस के इन 6 फ्लीट में से एक को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। काला सागर में यूक्रेन ने रूस को रोला दिया है, जिस मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के नेवी हेडक्वार्टर पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है, लेकिन इस बीच क्राइमिया पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। यह हमला तब हुआ है जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय समय के मुताबिक लगभग 10:30 बजे वायु रक्षा ने क्राइमिया के पश्चिमी तट पर एक यूक्रेनी गाइडेड मिसाइल और 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार 22 सितंबर को रात भर में 2 ड्रोन भी मार गिराए गए। यूक्रेन का लक्ष्य क्राइमिया है, जिस पर पुतिन का 2014 से कब्जा है। क्राइमिया से रूस की रवानगी का मतलब ही होगा युद्ध में हार, लिहाजा पुतिन के पलटवार की बारी है। लेकिन इसकी डिटेल में जाएं उससे पहले रूस के नेवी बेस पर बरसी मिसाइल की डिटेल देख लीजिए। यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस ने दी हैं। इस मिसाइल को यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। मिसाइल 5 मीटर लंबी है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। पूर्वी यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस ने कब्जा किया है उस पर स्टॉर्म शैडो सटीक हमला करने की क्षमता रखती है। हालांकि ये मिसाइल हासिल करते वक्त यूक्रेन से कहा गया था कि वो इसे सिर्फ अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा, मतलब रूस की जमीन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका पालन नहीं किया। हालांकि रूस दावा कर चुका है कि उसे स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की परवाह नहीं, लेकिन जमीन पर दिख रहा है कि काला सागर के राजा रूस पर हमले हो रहे हैं। काला सागर, उत्तर और उत्तर पश्चिम में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से घिरा हुआ है। यह परंपरागत रूप से यूरोप के लिए रूस का गर्म पानी का प्रवेश द्वार रहा है। सामरिक रूप से यह बहुत अहम है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो और रूस के बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में काम करता है। रूस 2014 के क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही काला सागर पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना चाहता है और इसीलिए उसका ब्लैक सी फ्लीट बहुत शक्तिशाली रखा गया है। लेकिन अब इस पर भी यूक्रेन ने हमला कर दिया है। ये इसलिए कि ओडेसा को रूस घेरे, उससे पहले यूक्रेन अजोव सागर तक पहुंच जाना चाहता है। रूस ओडेसा क्षेत्र को घेर लेता है तो यूक्रेन अपने काला सागर तट का उपयोग नहीं कर पाएगा और वास्तव में एक भूमि से घिरे देश के रूप में सिमट कर रह जाएगा। राइन मेन डेब्यून नहर काला सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ओडेसा का बंदरगाह यूक्रेन और बाहरी दुनिया के बीच एक अहम कड़ी के रूप में काम करता है। काला सागर फ्लीट के मुख्यालय पर हमले का मतलब है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस की अब तक की 2 प्रमुख नौसैनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इनमें पहला रूस का एलिगेटर क्लास लैंडिंग जहाज सेराटो था। असल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने पिक्चर क्लियर है कि उसे नाटो का हर हाल में सैनिक समर्थन हासिल है और ऐसे में तमाम आशंकाओं के बीच वो ज्यादा से ज्यादा हमले कर नाटो को दिखाना चाहते हैं कि वो अभी थके नहीं है और उनका मंसूबा क्राइमिया हासिल करना है। इसलिए ये हाल है कि पूरा क्राइमिया ही धीरे धीरे दांव पर लगता दिख रहा है। रूस के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमले के आगे नाकाम दिख रहे हैं। यूक्रेन की यह ताकत काफी है इस बात की तस्दीक के लिए कि अभी युद्ध में बहुत बुरा बाकी है। युद्ध अभी और घनघोर होगा क्योंकि यूक्रेन को दक्षिणी फ्रंट पर लगातार बढ़त मिल रही है। यूक्रेन का कहना है कि वो दक्षिणी फ्रंट लाइन को भेद चुका है। डोनेस्क, मारियोपोल, खेरसोन, क्राइमिया, ये चारों इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 965 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन के 3 स्थानों पर हमला किया। हालांकि रूस ने ये जवाबी कार्रवाई बहुत पहले ही आते देखी और उसने कई महीनों से ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली यानी मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा किया है जिसे तोड़ना दुनिया में सबसे मुश्किल है। अंतरिक्ष से ये कुछ ऐसे देखते हैं। बाधाओं की कई कतारें, खाइयां, बंकर और बारूदी सुरंगें, ये सब तोपखानों से ढके हुए हैं। महायुद्ध में खून सिर्फ यूक्रेन का नहीं बह रहा, अब रूस भी बराबर का शरीक है। शांति की कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती और पश्चिमी देशों का यूक्रेन के प्रति बर्ताव भी बदलता नहीं दिख रहा। अंतिम सच फिलहाल ये दिख रहा है कि नाटो और पश्चिमी देशों की जेलेंस्की के लिए तमाम पसंदगी के बीच हथियार कीव पहुंचते रहेंगे और यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब टारगेट क्राइमिया नहीं सीधे क्रेमलिन होगा।